हेलो दोस्तों, विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हरशंकर प्रसाद आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान की अगली वीडियो लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बाल विकास के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास। तो चैनल के अंतर्गत विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज जो संचालित हो रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखते हुए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जो प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है उस प्रयास में कहाँ त्रुटि हो रही है, क्या कमियां निकल करके आ रही हैं। क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा सा संसाधन कम है, लेकिन संसाधन का अभाव होते हुए भी हम लोग आप लोगों के बीच में प्रयास यही कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो, ताकि जो है आप इसका लाभ अपने एग्जाम के संदर्भ में ले सकें। तो हम लोग आज एक नए चैप्टर को या एक नए टॉपिक पे जो है चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और देखिएगा, बाल मनोविज्ञान, इसी को जो है बाल विकास जिसको जो है बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, और जो है बाल विकास जो है चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में जो अध्ययन किया था, मनोविज्ञान की जो पहली वीडियो आई थी, तो मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान जो है आत्मा से शुरू हुआ और व्यवहार तक पहुंचा, लेकिन जो है 18वीं शताब्दी तक आते आते जो है बाल मनोविज्ञान का बिगुल भी धीरे धीरे बजने लगा। और ये बिगुल क्यों बजने लगा, इसका एक रीजन था। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है वयस्क व्यवहार के आधार पे और बालकों के व्यवहार के आधार पे जो है अंतर को डिफाइन करना शुरू कर दिया था। इसी के वजह से जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की धारणाएँ या अवधारणाएँ प्रचलित होने लगी, जिसमें जो है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास यदि कहें तो बाल विकास के अंतर्गत जो है बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है प्राणी या व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है बालक के व्यवहार के आधार पे, क्योंकि वयस्क और बालक दोनों के व्यवहारों में यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उनकी क्रियाकलाप, उनके व्यवहारिक क्रियाकलाप के आधार पर जो भी अंतर स्पष्ट हुए उन्हीं के आधार पर जो है इस बाल मनोविज्ञान की जो है नींव पड़ी। और जो है बाल मनोविज्ञान को जो है सबसे पहले परिभाषित करने का यदि कार्य किया गया तो मनोविज्ञान को
सर्वप्रथम परिभाषित किया गया किसके द्वारा? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वर्ग के द्वारा। देखिए, बाल मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वर्ग के द्वारा दी गई थी। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है एक चीज और निकल करके सामने आई कि एक नाम आता है पेस्टोलॉजी का। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि बाल मनोविज्ञान का सबसे प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, या बाल मनोवैज्ञानिक का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, तो एक नाम आता है किसका? पेस्टोलॉजी का नाम आता है। और पेस्टोलॉजी कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख। देखिए, इनको जो है जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। और जो है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड ज्यूरिख के। और जो है इन्होंने जो है वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किया किसका? बाल मनोविज्ञान। देखिए, एक और नाम आता है कि इन्होंने जो है बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किस आधार पर किया था? तो अपने जो है 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर जो है अध्ययन करने के पश्चात किया था। और जो है इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। देखिए, बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वर्ग के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा। और फिर जो है दूसरा नाम आता है क्या? जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी। इनका संबंध कहाँ से था? स्विट्जरलैंड से। और जो है पेस्टोलॉजी की शिक्षा पर सबसे अधिक यदि किसी का प्रभाव पड़ा था तो किसका पड़ा था? रूसो का। ये जो है पश्चिमी दर्शन को मानने वाले थे। और जो है ये एक शिक्षक और शैक्षिक सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है रूसो की फिलॉसफी के आधार पे जो है स्वच्छंदतावाद का या स्वच्छंदवाद दर्शन का जो है वर्णन किया था, या इसकी अवधारणा जो है हम लोगों के बीच में प्रस्तुत की थी। तो पेस्टोलॉजी का नाम जो है मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जो है अपने खुद के बालक के अध्ययन के आधार पे जो है किया गया। और जो है 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर अध्ययन करने के पश्चात एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। और इसके आधार पे इन्होंने जो है बाल मनोविज्ञान को
परिभाषित किया। एक नाम आता है स्टेनली हाल का, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के। और अमेरिका से संबंध इनका था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने जो है हार्वर्ड कॉलेज जो संयुक्त राज्य अमेरिका में था वहाँ से जो है मनोविज्ञान में जो है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण किया था। और उस कॉलेज का क्या नाम था? हार्वर्ड कॉलेज। ये कहाँ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए स्टेनली हाल जो है अमेरिका के निवासी थे या अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान में सर्वप्रथम जो है डॉक्टरेट की उपाधि जो है ग्रहण की, और ये उपाधि जो इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? हार्वर्ड कॉलेज था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये चीज़ें तो इनकी उपलब्धि को दर्शाता है, लेकिन यहाँ हमको जानना है बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में। तो सबसे पहले जो है स्टेनली हाल ने जो है बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में जो है कुछ चीज़ों को जो है बताने का प्रयास किया। और स्टेनली हाल ने जो है एक प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। दूसरा, इन्हें जो है बाल आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, और इन्हें जो है बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ एक चीज आप समझने का प्रयास करिएगा कि प्रश्नावली विधि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा किया गया था, या वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीज समझने लायक है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जो प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा तैयार की गई थी वो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में की गई, लेकिन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो प्रश्नावली विधि का यदि किसी के द्वारा प्रयोग किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? स्टेनली हाल के द्वारा किया गया। तो यदि क्वेश्चन को सेट करते समय या क्वेश्चन को आप लोग जब पढ़ते समय जब पेपर में आए तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रश्नावली की बात कही गई है कि मनोविज्ञान के संदर्भ में जो है प्रश्नावली की बात कही गई है। तो जब बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रश्नावली की बात की जाएगी तो स्टेनली हाल का नाम आएगा, और यदि मनोविज्ञान के संदर्भ में यदि प्रश्नावली की बात की जाएगी या क्वेश्चन यदि दिखाई देगा तो उसमें जो है आर.एस. वुडवर्थ का नाम आएगा। तो इसके आधार पे जो है बाल मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। देखिए
ये प्रक्रिया जो है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी आते आते जो है बाल मनोविज्ञान जो है या बाल विकास की अवधारणाएं जो है तीव्र होने लगी। यहाँ समझने वाली बात है कि जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन का जो क्षेत्र है उस अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत जो है कहाँ कहाँ तक हम जो है अध्ययन कर सकते हैं या टाइम और पीरियड क्या होता है बाल मनोविज्ञान का, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा कि प्रसव पूर्व अवस्था जिसको हम लोग जो है गर्भावस्था के नाम से जानते हैं, दूसरा क्या है शैशवावस्था, फिर उसके बाद क्या है बाल्यावस्था, फिर उसके बाद क्या है किशोरा, ये चार टाइम ऑफ पीरियड है। प्रसव पूर्व अवस्था को ही किस नाम से जाना जाता है, देखिए बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है या मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है बाल मनोविज्ञान की संज्ञा प्रदान की गई। अब यहाँ थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा कि बाल मनोविज्ञान जो है ये बालकों के विकास के अवस्थाओं के आधार पे जो है अलग अलग तरीके से जो है जैसे जैसे अवस्थाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं विकास का पीरियड जो है आगे की तरफ जाता है वैसे वैसे जो है बाल मनोविज्ञान जो है किशोरा अवस्था तक उनके जो है अभिवृद्धि और विकास को बताने का प्रयास करता है, शारीरिक मानसिक
संवेगात्मक और सामाजिक विकास के अंतर्गत चीज़ें जो है संदर्भित हैं। तो आप जो है इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक आता है अभी वृद्धि एवं विकास। देखिए आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है वृद्धि एवं विकास को एक ही सेंस में लेकर के परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि, और विकास को जो है डेवलपमेंट। देखिए अभिवृद्धि को जो है ग्रोथ और जो है विकास को जो है डेवलपमेंट। सबसे पहले जो है अभिवृद्धि को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है। तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो है यदि बात की जाए तो अभिवृद्धि या वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है यदि बात की जाए कि अभिवृद्धि है क्या या विकास है क्या, तो अभिवृद्धि के संदर्भ में जो है नोट करिएगा, वह परिवर्तन जो शरीर के बाह्य पक्षों में घटित हो जिसे देखा जा सके, मापा जा सके, अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। देखिए यही यदि विकास की बात की जाए तो यहां क्या है कि वह परिवर्तन जो शरीर के बाह्य पक्षों में, तो बाह्य पक्ष जो है क्या होगा, एक पक्ष ही होगा, क्योंकि शरीर के कई पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है और संवेगात्मक पक्ष है। तो जब किसी एक पक्ष और विशेष रूप से शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन दिखाई देगा, ऐसे परिवर्तन को जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है, अभिवृद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। और जो है यही चीज जो है यदि विकास के अंतर्गत देखी जाए तो विकास में क्या होता है कि वह परिवर्तन जो शरीर के सभी पक्षों में घटित होता है और
जिसका निश्चित मापन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, विकास। मतलब वो परिवर्तन जो शरीर के सभी पक्षों में घटित होता है और जो है जिसका निश्चित मापन, मतलब सभी पक्षों का जो है सही ढंग से जो है परिमाणात्मक मापन जो है नहीं हो पाता है, ऐसे परिवर्तन को जो है क्या कहा जाता है, विकास। यहाँ जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि जो है एक हो गया शारीरिक पक्ष, एक हो गया मानसिक पक्ष और एक हो गया सामाजिक पक्ष और एक हो गया संवेगात्मक पक्ष। देखिए बाल विकास के जो चरण है, सबसे पहले क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जब परिवर्तन केवल शारीरिक पक्ष में होगा तो क्या होगा, क्या होगा, अभी वृद्धि। लेकिन जब परिवर्तन शरीर के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष में परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तन को जो हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। यहीं से जो है चीजें जो है बढ़ जाती। विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है, क्योंकि इसमें जो है विकास के सभी पक्ष जो है सन्निहित होते हैं या समाहित होते हैं। केवल एक पक्ष के जो है परिवर्तन की यदि बात कही जाएगी तो एक पक्ष में यदि परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अभिवृद्धि। लेकिन सभी पक्षों में यदि परिवर्तन होगा तो क्या होगा, विकास होगा। देखिए संदर्भ में जो है एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है, सोरेनसन। और इन्होंने जो है अपना एक वक्तव्य दिया था, एक कथन बताया था कि आम बोलचाल की भाषा में जो है सभी लोग जो है अभिवृद्धि और विकास को जो है एक ही तराजू पे तौलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग है। तो इन्होंने जो है एक विचार दिया अपना कि जो है अभिवृद्धि का आशय शरीर और उसके उसके विभिन्न अंगों के भार और आकार परिवर्तन रहा है। विकास विकास का संबंध
देखिए सोरेनसन ने जो है क्या बताया था कि जो है अभिवृद्धि का आशय जो है शरीर और उसके विभिन्न अंगों के भार और आकार में परिवर्तन से रहा है। विकास का संबंध जो है अभिवृद्धि से रहा है और यह शरीर के विकास के साथ साथ विभिन्न कौशलों और आंतरिक शक्तियों की और संकेत करता है। ये किसने कहा था? सोरेनसन ने। अभी देखिए हमने पीछे अभी जो चीजें बताई हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है, एक पक्षी होती है, और विकास क्या होता है, बहुपक्षी होता है। और जो है अभिवृद्धि का संबंध या अभिवृद्धि का जो दायरा होता है वो संकुचित होता है, और व्यापक स्थिति में कौन पाया जाता है? विकास। या विकास का जो दायरा होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है। शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन जो एक निश्चित समय तक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और शरीर के सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तन जो जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकास। उसी के सेंस में सोरेनसन ने जो है अपनी एक विचारधारा को जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया था कि अभिवृद्धि का आशय जो है शरीर और उसके विभिन्न अंगों के भार और जो है आकार परिवर्तन से। और वहीं इन्होंने एक चीज बताई कि जो है विकास का जो संबंध होता है वो अभिवृद्धि से होता है, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। जैसे शरीर में यदि कोई भी ग्रोथ होगा तो कार्य क्षमता जो है प्रभावित होगी, परिवर्तित होगी। तो जहाँ कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो सभी पक्षों को किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि विकास का जो संबंध रहा है अभिवृद्धि से रहा है। तो ये शरीर के विकास के साथ साथ जो है ये विभिन्न कौशलों और जो है आंतरिक शक्तियों की ओर भी संकेत करता है। मतलब विकास में शरीर के विकास के साथ साथ जो हमारी कार्य क्षमता शैली है या जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं जो दिखाई नहीं देती हैं उन सभी की ओर संकेत कौन करता है? तो कौन करता है? विकास करता। इसी के संदर्भ में जो है एक व्याख्या जो है दी गई थी जेम्स ड्रेवर के द्वारा, और जेम्स ड्रेवर ने जो है विकास को परिभाषित करते हुए लिखा कि जो है विकास जो है प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्रगतिशील परिवर्तन है जो जो व्यक्ति को निश्चित उद्देश्यों की ओर निर्देशित
निर्देशित करता है। देखिए यहां जो है जेम्स डेवर ने बताया कि विकास जो है प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील परिवर्तन का मतलब क्या है? यहां प्रगति का मतलब क्या है कि प्रगति का संबंध हमेशा किससे होता है? एक निश्चित उद्देश्य की तरफ जो है आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रगति। मतलब जो हमारे मन और मस्तिष्क में जो उद्देश्य बन चुका है उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेना ही क्या है? प्रगति। उसी के संदर्भ में जो है जेम्स डेवर ने बताने का प्रयास किया कि विकास जो है प्राणी में जो है प्रगतिशील परिवर्तन को लाता है और ये प्रगतिशील परिवर्तन ही व्यक्ति को एक निश्चित उद्देश्यों की ओर क्या करता है? निर्देशित करता है। अब तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं इसके द्वारा ये तो स्पष्ट हो गया कि जो है अभिवृद्धि में जो है शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई भार, और विकास में क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक संवेगात्मक सामाजिक परिवर्तन को भी स्थान दिया जाता है और यह परिवर्तन जो है किसी न किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारी सहायता करता है। आगे हम लोग इसको और स्पष्ट रूप से जानने के लिए अभिवृद्धि और विकास में जो है तुलनात्मक अध्ययन यदि करें अभिवृद्धि और जो है विकास, देखिएगा अभिवृद्धि और जो है विकास, अभिवृद्धि का संबंध, अभिवृद्धि जो होती है क्या होती है? संकीर्ण। या अभिवृद्धि में जो है संकीर्णता पाई जाती है और विकास क्या होता है? विकास में व्यापकता पाई जाती। अभी हमने जो है आपको बताया कि जो है शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है और जो है संवेगात्मक है। तो जब अभिवृद्धि के अंतर्गत ये चर्चा की गई है कि ये केवल शारीरिक पक्ष जो परिवर्तन हमको जो है शरीर के बाह्य हिस्सों में दिखाई देता है जिसको हम माप सकते हैं, क्या होगा? संकीर्ण होगा। और जो है शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक इसका दायरा क्या होगा? व्यापक। दूसरा अभिवृद्धि की जो है एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित होती है। मतलब जब भी अभिवृद्धि या ग्रोथ जब होगा तो इसका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है और उस टाइम ऑफ पीरियड के बाद जो है ग्रोथ अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जो है विकास की क्या होती है स्थिति? तो विकास जो है जन्म से लेकर के और ये जो है मृत्यु तक या जीवन पर्यंत कह सकते हैं कि ये जीवन पर्यंत जो है चलने वाली प्रक्रिया है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अभिवृद्धि जो है अभिवृद्धि में जो है
लंबाई चौड़ाई तथा भार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, लंबाई चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन को जो है हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। और यहाँ क्या होता है कि कार्य क्षमता में होने वाले, कार्य क्षमता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई भार, यदि किसी भी बालक की लंबाई कितनी है, उसका भार कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। और जो है इन लंबाई चौड़ाई और भार के आधार पे जो कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, तो कार्य क्षमता में वृद्धि का जो सेंस होता है वो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आएगा, विकास। अगला पॉइंट कि अभिवृद्धि जो होती है ये क्या होती है, परिमाणात्मक संख्यात्मक और इसे मात्रात्मक भी कहा जा सकता है। मतलब अभिवृद्धि के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं उसका जो है एक निश्चित निष्कर्ष या परिमाण जो है संख्या के रूप में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे लंबाई है चौड़ाई है या भार है। लेकिन इसमें जो है क्या होता है विकास के अंतर्गत कि जो है परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक, मतलब हम जो है परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है कि हम जो है विकास के अंतर्गत जो है कुछ परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में या मात्रात्मक रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं, और कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिनका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं या उनके गुण धर्मों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शरीर की लंबाई बढ़ रही है, तो शरीर की लंबाई को तो हम मात्रात्मक रूप से जो है स्पष्ट कर सकते हैं, परिमाण दे सकते हैं संख्यात्मक रूप में। लेकिन वही यदि सामाजिक पक्ष की बात हो और संवेगात्मक पक्ष की यदि बात हो, तो क्या संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष के सभी एलिमेंट्स को हम लोग मात्रात्मक रूप से व्याख्यित नहीं कर सकते हैं या उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए जो है इसमें जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष निहित होते हैं, और परिणाम आने तक या परिणाम के आ जाने के बाद या जो भी परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत, जैसे किसी बालक के जो है शैशव काल में जो है यदि जो है शुरू के दिनों में जो है चार दांत आ जाए या छह दांत आते हैं, तो चार दांत में जो परिवर्तन होगा, छह दांत में जो परिवर्तन होगा, इससे जो है कार्य क्षमता में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस कार्य क्षमता के आधार पे जो है ये जो है गुण विकसित होते हैं, और गुण की भी व्याख्या जो है किसके अंतर्गत की जाती है, विकास के अंतर्गत की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अभिवृद्धि के अंतर्गत जो है एक पक्षी अध्ययन किया जाता है, एक पक्षी अध्ययन किया जाता है। मतलब अभिवृद्धि के अंतर्गत जो है हम केवल जो है परिवर्तन का एक ही पक्ष जो है पढ़ते हैं, जैसे शारीरिक पक्ष है जो बाह्य रूप से हमें क्या होता है दिखाई देता है,
उसी पक्ष का अध्ययन किया जाता है या एक पक्षी परिवर्तन को ही दर्शाता है। और ये क्या होता है विकास? तो विकास क्या होता है बहु पक्षी अध्ययन होता है। बहुपक्षीय अध्ययन का मतलब क्या है कि इसमें जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो है विकास जो है क्या होता है बहुपक्षीय परिवर्तन को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं अभिवृद्धि में विकास जो होता है, विकास निहित नहीं होता है। जबकि विकास में जो है विकास में अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि निहित होती है। कहने का मतलब क्या है कि अभिवृद्धि में विकास क्यों नहीं निहित होता है? इसलिए कि अभिवृद्धि में केवल एक ही पक्ष का अध्ययन किया जाता है और विकास के लिए क्या होना चाहिए? सभी पक्षों का अध्ययन या सभी पक्षों में जो होने वाले परिवर्तन है, जब तक सभी पक्षों के परिवर्तन को नहीं दर्शाया जाएगा या सभी पक्षों में परिवर्तन यदि नहीं होगा तब तक उस परिवर्तन को हम विकास की संज्ञा नहीं दे सकते। इसीलिए जो है अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि क्या होता है? निहित होता है। इसका रीजन क्या है कि यदि शरीर के आकार प्रकार में, जैसे शरीर की लंबाई, उसकी चौड़ाई और भार में जब परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं विकासात्मक प्रक्रिया पे पड़ता है। जैसे शैशव काल का बालक है, जैसे 3 माह का बालक है और 6 माह का बालक है और 6 वर्ष का यदि बालक है, तो यदि ग्रोथ की कंडीशन में होगा या अभिवृद्धि के कंडीशन में यदि होगा तो 3 माह में जो है शारीरिक विकास, 6 माह में जो है शारीरिक परिवर्तन और जो है 6 वर्ष में जो शारीरिक परिवर्तन होगा, इस सभी में क्या होगा? अंतर होगा। और जब परिवर्तन में अंतर होगा तो कार्य क्षमता में भी क्या होगा? अंतर होगा। तो जहां जो है अभिवृद्धि में परिवर्तन होता है तो विकास में जो है परिवर्तन दिखने लगता है या शरीर के जो है अन्य पक्षों में भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास में अभिवृद्धि क्या होती है? निहित होती है। और जो है इसमें एक पॉइंट और है कि जो है अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि जो होती है ये क्या होती है? रचनात्मक होती है। और विकास क्या होता है? विकास रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होता है। विकास क्या होता है? रचनात्मक के साथ साथ क्या होता है? विनाशात्मक भी होता है। इसका कंडीशन क्या है कि अभिवृद्धि में जो होता है रचनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो है अभिवृद्धि का टाइम और पीरियड क्या होता है? निश्चित होता है। और विशेष रूप से अभिवृद्धि जो है किशोरावस्था तक होती है और किशोरावस्था जो है ऊर्जा की एक प्रज्वलित अवस्था मानी जाती है, तनाव और संघर्ष की भी अवस्था मानी जाती है। तो इसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं?
रचनात्मक रूप से होते, और ये क्या होता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो जीवन पर्यंत चलने के साथ साथ ही इसमें जो है रचनात्मकता और साथ साथ क्या होता है विनाशात्मक प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि जो है सभी प्रकार का विकास केवल रचनात्मक भी नहीं हो सकता है, या सभी प्रकार का जो विकास होगा वो केवल रचनात्मक ही नहीं होगा, कुछ ऐसे भी कंडीशन या कुछ ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं जिसमें विनाशात्मक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये था अब तक का जो है अभिवृद्धि और विकास।